राजपूतों के नेतृत्व में जो ये साका जौहर घटा, उन राजपूतों को इस देश के मक्कार इतिहासकारों ने भगोड़ा। हर हाथ युद्ध में हारने वाला, आपस में लड़ने वाले, अपनी स्त्रियों को जलाने वाले, अफीम के नशे में धुत रहने वाले, ये बताया इस अकल्पनीय त्याग को, मेरे पुरखों के जीवित राख होने की प्रक्रिया को इस देश के मक्कार आत्मा विहीन इतिहासकारों ने सभी का दर्जा दिया। किसी ने इनसे नहीं पूछा इतनी भयानक यातनाएं। ये तथाकथित हिंदू बुद्धिजीवी इस व्यभिचार को नपुंसक पैरालाइज्ड बड़ा सहता रहा। राजस्थान में 12 साका जौहर बड़े हुए, इनमें संख्या हजारों से अधिक थी, छोटे मोटे साके तो अनगिनत हुए। 25 फरवरी 1568 को तीसरा साका राजस्थान के अंदर चित्तौड़ में घटा, जिसके अंदर 10 ज्ञात स्त्री जीवित जल गई। इस घटना को जौहर कहा जाता है। और दुर्ग के पुरुष अपनी स्त्रियों को राख होते देखने के बाद उस राख को अपने शरीर पर मलकर अगले दिन सुबह दुर्ग का द्वार खोलकर मुसलमानों से युद्ध करने चले गए और अपने से 4 गुना बड़ी सेना के अंदर जितने मुसलमानों को मार सकते थे मार डाला। उसके बाद वीरगति को प्राप्त हो गए। इसे साका कहा जाता है।